हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से और मेरी स्टडी के साथ। तो फिलहाल बहुत लेट हो गया था और आजकल नींद भी नहीं पूरी हो रही है क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि रात में सो ही नहीं पा रहे हैं जल्दी। 12 बज जा रहे हैं, 1-2 बज जा रहे हैं, दिमाग पागल हो जा रहा है गर्मी के आगे। ऊपर से मेरे बच्चे भी परेशान करते हैं गर्मी से, जिसकी वजह से जल्दी मैं सो नहीं पाती और आजकल सुबह 3 बजे 4 बजे नहीं जग पा रही हूँ। तो फिलहाल छुट्टियाँ चल रही है तो मैं दिन में अपना कवर कर लेती हूँ। सुबह सुबह अपना कितना भी बजे जगो, अपना पढ़ाई कंप्लीट हो ही जाता है जो टारगेट बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी छुट्टियाँ हैं तो स्कूल खुलेगा तो अलग रूटीन होगा। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आप लोग के बहुत सारे कमेंट हैं, जो एक ही कमेंट सबका है कि मैंने बैच कहाँ से लिया, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी बने रहिएगा, वीडियो फुल देखिएगा क्योंकि सबको प्रॉब्लम है। एकदम पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन टेंशन में है कि तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है और सबको पैसे की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि एक ही लोग की है, सबको पैसे की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। और बाकी जितने सारे बैच आ रहे हैं ना, इतने महंगे महंगे बैच आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कोई कहाँ से बैच परचेज करेगा और पढ़ाई कर पाएगा। जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो सोच भी रहा होगा कि मैं बैच ले लूँ, पढ़ाई कर लूँ, इस बार एग्ज़ाम निकालूंगा, लेकिन नहीं निकाल पाएगा, मतलब परचेज ही नहीं कर पाएगा, इतना महंगा है। तो फिलहाल मैं भी यही सोचती थी मैं भी ले लेती हूँ। तो मैं तो एक आध दो ऐप पे गई कि हाँ ले लेती हूँ, तो देखी कि इतने महंगे में 6,000, 7,000, 7,500, इतने महंगे बैच आते हैं, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन परचेज नहीं किया है और ना ही कभी कोई इंस्टीट्यूट से मैंने बैच लिया है, तो ये मेरे को भी आइडिया नहीं था। तो मैं सारे को ढूंढ डाली, किसी पे बजट में नहीं था, तो मैं फिलहाल ढूंढते ढूंढते एक चैनल पर गई जो रावा सिविल एकेडमी है शायद रावा का, मतलब रोजगार विद अंकित। मैं उसी से बैच ली जो सीटेट का भी और आरओएआरओ का, ताकि मैं अच्छे से मेहनत कर पाऊँ। कोचिंग तो एक होता है ना कि एक गाइड ही प्रोवाइड करेगा पढ़ाने को, सब कोचिंग अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा नहीं कोई कहेगा कि मेरे कोचिंग का बच्चा फेल हो, सब अपनी तरफ से टीचर मेहनत ही करते हैं। मेन डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि वो कितना मेहनत कर रहा है। कोचिंग से तो भाई वो तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सबसे ज़्यादा तो हमें ही मेहनत करना होगा ना। तो बस यही सोच के मैं सोची कि चलो कहीं से थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, और बाकी तो मैं अपनी तैयारी तो कर ही रही हूँ ना, खुद से तो मैं तैयारी अपनी मेहनत से कर रही हूँ कि हाँ मुझे इस बार निकालना है, तो अपने से मैं मेहनत लगाई हूँ। और बाकी जो है कि एक थोड़ा अलग गाइड मिल जाएगा तो अच्छे से और प्रिपरेशन हो पाएगा, ऐसे है तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बैच परचेज करने की बहुत दिनों सोच रही थी, आप लोग से सजेशन भी मांग रही थी, लेकिन ढूंढते ढूंढते मिल ही गया कहीं से, मुझे पता चल गया। तो रोजगार विथ अंकित, मैं उसी ऐप से अपना ये बैच परचेज करी हूँ जो करीब 1,500 का ही पड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। कम से कम इन पढ़ाई के बुक तो इतना में बुक ही आ जाता है, अगर एक कपड़ा खरीदने जाओ तो में एक कपड़ा आ जाता है। तो एक बार अपना ये सब बजट छोड़ के और ये सब पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, जो मतलब परचेज करने की सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं पैसे की वजह से, क्योंकि होता है बहुत सारे रीज़न होता है सबके पास, ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसे भरे ही पड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप वहाँ से जाके परचेज करो, पढ़ाई अच्छे से करो। फिलहाल तो मैं तो ले ली हूँ और पढ़ाई में लगी हुई हूँ, ऐसे भी मैं लगी ही थी, लेकिन एक कोचिंग है कि अलग उसका थोड़ा सा नोट्स बना लो ताकि मेंस का भी साथ साथ तैयार होता चले। ऐसे तो बस मैं प्री के लिए पढ़ती जा रही हूँ, पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ, 1-2 बुक ली हूँ उसको पढ़ रही हूँ बस। तो ऐसे क्या पता तैयारी हो पाए नहीं हो पाए, अपने जाने में तो कर रही हूँ ना, अब एग्ज़ाम तो बताएगा ना कि तैयारी हुई कि नहीं हुई। इसलिए मैं बैच परचेज करी है ताकि अच्छे से और प्रिपरेशन हो पाए। तो फिलहाल तो बैच तो सही है, ऐसा नहीं है कि खराब है, सब टीचर अच्छे ही होते हैं, जैसे सब बुक अच्छी होती है ना, सब अच्छे थे, हमसे तो वो कितना हुई तो तेजी है ना, अच्छे से पढ़ाते ही है ना, कुछ तो कुछ गाइड करेंगे ही ना। बाकी तो अपनी तरफ से मेहनत तो करना ही करना है, बुक पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस अपनी पढ़ाई चल रही है, जो मैं सीटेट का ही नोट्स बना रही हूँ, सोच रही हूँ इसका बना के ख़त्म कर लेती हूँ, तो ताकि इसका अलग टेंशन रहेगा, जब एग्जाम आएगा फटाक से रीडिंग करो और प्रीवियस ईयर लगाओ। ऐसे है ना कि इसका भी टेंशन लगा है कि मुझे इसका भी पढ़ना है, आजकल मैं इसकी पढ़ाई छोड़ रखी हूँ, बस मैं आरओएआरओ का ही ध्यान दे रही हूँ ताकि वो डायरेक्ट जॉब दिलाएगा। ये है कि सीटेट करके रख दो, पता नहीं कौन से ज़माने में टीचर की वैकेंसी आएगी, इसलिए मैं इस पर उतना फोकस नहीं कर रही हूँ। और इस बार तो मेरा सीटेट का लास्ट ही है, अगर इस बार मैं क्रॉस नहीं करी 100 से तो दोबारा कभी सीटेट का फिल नहीं करने वाली, एकदम लास्ट है, इतना तो मैंने सोच लिया। परेशान हो गई हूँ सीटेट का सेकेंड पेपर निकालने में, 100 से पार ही नहीं आता है, मतलब 90 से पार ही नहीं आता है, तो अदर स्टेट या फिर DSB का ये सब सोचती हूँ, KVS का तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए फिर मैं इसको छोड़ूंगी। और बाकी मैं अब UPSC इसी में इसी लाइन में जाने वाले हूँ, जो मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो फिलहाल आप लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कहाँ से बैच मैं ली हूँ, तो बस वहीं से ली हूँ जो बैच पड़ा है 1500 का, यानी 1499 करीब है। तो इतना तो पैसा सबके पास होगा,
कहीं से बचा के जुगाड़ करके इंसान इतना तो इकट्ठा कर लेगा, पढ़ाई के लिए तो इतना तो जुटा ही सकता है ना, अगर जो जिसके पास एकदम नहीं पैसे हैं, होता है ये दिक्कत ना, क्योंकि 7 हज़ार 6 हज़ार लाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, और बुक भी लाना सारा का सारा एकदम इकट्ठा करना ये भी मुश्किल हो जाता है। पूर्वालोकन तो किसी हद तक 1500 1600 तक पाँचों को पाँचों पूर्वालोकन आ जाते हैं, क्योंकि मैं पूर्वालोकन ही मंगा के रखी हूँ, उसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बुक तो चाहिए ही ना, तैयारी कर रहे हैं तो बस अपनी पढ़ाई ऐसे ही चल रही है। जो सारे बुक मैं अपना और वैसे सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर दी, और अपने नोट्स के साथ तैयारी करूंगी ताकि प्री मेंस दोनों साथ में चलता रहे। वाली जब भी ये प्री का है कि अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, 80% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मेंस पे ध्यान दूंगी। जब प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस की तैयारी करने से क्या ही फायदा, इसलिए मैं पहले प्री पे ही फोकस कर रही हूँ, उसके बाद मेंस का देखा जाएगा। तो फिलहाल ये सब तो चलता ही रहेगा, बाकी मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर कर दी जो आप लोग का कमेंट था, और भी आप लोग का कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में करते रहिएगा, और मैं रिप्लाई वीडियो के थ्रू ही दूंगी, क्योंकि जब भी अगर कोई कमेंट रहता है, अगर बड़ा उसका रिप्लाई रहता तो नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें ये बैच के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही हो जाता है बताने के लिए ना, इसलिए मैं सबका रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो आप लोग के सारे लोग का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद जो फुल। फिलहाल मैं सुबह से एकदम शाम तक अपना रूटीन शेयर कर दीजिए छोटे से ब्लॉग में, और आजकल मेरा छोटा ही ब्लॉग आ पाएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऑनलाइन भी पढ़ रही हूँ, जो नोट्स भी बना रही हूँ तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जा रहा है, बाकी जो जब मैं बुक से पढ़ रही हूँ वो मैं शेयर कर ही रही हूँ। सुबह सुबह उठ के पहले रीडिंग ही लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह लिखना अच्छा बात नहीं होता है, पढ़ना ही सही रहता है। तो सुबह सुबह मैं अपना पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दिन भर अपना वीडियो देख के पढ़ती हूँ और लिखती हूँ, क्योंकि उसका एक बार नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा ना तो उसका रीडिंग करना रहेगा, इतना तो है बस। और बाकी जब भी मैं उसका नोट्स बनाऊंगी आर ओ या रखो तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग परचेज करना चाहते हैं बस तो जरूर जाके वहाँ से परचेज करिए, ऐसा नहीं है इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, कुछ कुछ तो गाइडेंस आपको मिलेगा ही ना, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं मिलेगा। 7 हज़ार 6 हज़ार जिसके पास नहीं है, कम से कम इसमें कुछ तो मिलेगा ना, बहुत कुछ मिल सकता है। तो फिलहाल तो मैं तो यही ली हूँ, ताकि अपनी तैयारी मेहनत तो हमें करना है तो भाई करेंगे। तो चलिए बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी आप लोग का कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती रहूँगी जो नेक्स्ट वीडियो में अगर लॉन्ग हुआ तो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।